और रियायत मिलेगी। वो कैंप है जहां से आप बाहर जाते हैं उसके साथ है कैंप, वहां से आप साथ मिल सकते हैं। فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صلوات بابا جی حضرات گرامی سادات مومنین موالیان حیدر کرار حبداران آل رسول اور رضاداران فرزند بتول سلام علیکم تحفہ آل مدد میں نے رات بھی اسی آیت نو عنوان بیان قرار دے کے کو گھنٹہ سوا ڈیڑھ گھنٹہ سادات مومنین دی سما خراشی کیتی آئی کوئی تھوڑی جی زحمت دیتی آئی اس ویلے بھی اسی آیت نو عنوان بیان قرار دے کے دو قدم اگا بڑھاون دی جسارت کرنا رات میں عرض کر چکا دو منٹ وچ خلاصہ کہ اس آیت وچ پروردگار عالم نے فرمایا اے
कुरान दे कारियो रसूले पाक दे गुलामो निजामे मुस्तफा दे शहदाइयो इस्लाम दे फिदाइयो शिया सुन्नी भाइयो एक गल अपने ज़हना विच अच्छी तरह नक्श कर लो कि दुनिया विच कोई बंदा इमामत दा मुनकर होवे या कायल लेकिन महशर विच किसी नूं मां जमिया नहीं जिहड़ा बगैर इमाम दे मीज़ान ते आके अपने अमाल दी पड़ताल करा सके। आमीन सूरह सिजदा च अल्लाह फरमाया वजअलना मिनहुम आइमत यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू। दुनिया विच इमाम दी जरूरत है हिदायत फरमाए, हिदायत दे बगैर गुजारा नहीं। ये दोनों कुरानी आयतां बनसे सरी फरमा रही हैं कि तौहीद और रिसालत दे बाद इमाम वो चीज है, इमामत वो शय है कि जिदे बगैर दुनिया विच गुजारा नहीं, आखरत विच चारा नहीं। और पाक पैगंबर फरमाया जिहड़ा बगैर इमाम मर गया उहदी मौत जहलीयत दी है, जिहड़े अपने जमाने दे इमाम नूं ना पहचानिया उहदी मौत जहलीयत है, कुफर दी मौत है। और मुल्ला अली कारी हनफी अपनी शराफी का अकबर विच लिख देन इहदे वास्ते सहाबा इकराम ने वफाते रसूल दे बाद वक्त जाया नहीं कीता, मैं किवें पढ़ा इहनूं कैप्सूल विच किवें पाऊं कि अगर असा सरकार नूं गुसल देंदे रहिंदे, कफन पहनांदे रहिंदे, जनाजे पढ़दे रहिंदे, जिन्हां दफन करदे रह जांदे, इस वक्त विच को रज़ी अल्लाह मार वैंदा तो दी मौत जहलीयत दी मौत होंदी, हजूर फौत हो गया था, नवा बनिया कोई नहीं। इस वास्ते वाले अन्न सहाबत जालू अहमल मुहिमात नस्बल इमाम हत्ता कद्दमू होला दफन ही। इस वास्ते सहाबा इकराम ने नबी दा सब कुछ छोड़ के सकी में जाके जल्दी जल्दी इमाम बनाया कि रज़ी अल्लाह मर जाए तो मौत कुफर दी ना हो जाए। इस बात भी बुजुर्ग का इजमा हो गया कि इमाम बड़ा जरूरी। क्यास कुंद गुलिस्तान मर बहार मन बहार मरा असा मिल्लत जाफरिया दे अफराद दरे रसूल और बतूल तो लेके रतियां सादात तक इस अकीदे ते मुत्तफिक हां के इमामत नबूवत दे बाद उसूले दीन विच दाखिल है। जिवें तौहीद दा मनना असले दीन है, अदालत दा मनना असले दीन है, नबूवत और खत्म नबूवत दा ईमान असले दीन है, इमामत दी ईमान भी असले दीन है। लिहाजा इमाम अल वहाबी यीन फिल हिंद व सिंध वल अरब वल अजम शाह वलीउल्लाह ने अपनी किताब इदालत अल हफाजिल दवल सफा अवल तबब सुहैल अकैडमी लाहौर तहरीर फरमाया कि इस बात खिलाफत ही बुजुर्गवारा असल आजा सूसूल दीन ता वक्त कहीं असल रा मुहकम न गिरन हिच मसला अद मसायल शरिया मुहकम न शवत। एम नबी दे नायबा उम्मत दे इमामा दी नियाबत और इमामत उसूल दीन विच दाखिल है। कौन कहिंदा शाह वलीउल्लाह तोहफा इसनाशरिया वाले शाह अब्दुल अजीज दा अब्बा बिया उसूल दीन विच दाखिल है। ता वक्ते के इमामत दी असल नाल मजबूती ना पकड़न इंसान दून दा कोई मसला मुकम नहीं हुंदा। यानी इमामत इतनी जरूरी है कि दीन दा दारो मदार ही इमाम थे। इयो गल शिया कहंदे, जे शिया ए दावा करे ते काफिर वलीउल्लाह करे ते रज़ी अल्लाह रहा हम तू इमामत दे बगैर रात। दूसरी बात मैं अर्ज कीती आई कि कोई फिरका इमामत तो खाली नहीं, हर फिरके दा कोई ना कोई इमाम है, लेकिन इमामिया कोई नहीं कहलांदा, किसे नूं कोई इमामिया नहीं आंदा सिवाय शिया दे। इहदा मतलब की होया कि बाकी बगैर इमाम ने जदों इमाम है नहीं इमामी क्यों नहीं, सिर्फ शिया नूं इमामिया क्यों कहा जाता, मुहालिफ भी मुआफिक भी सब। उहदा जवाब अर्ज किया रात की मजले जरा तफसील हन कि जिवें इमाम ने इमामत नूं शिया समझिया कोई फिरका समझिया नहीं, जो जो इमाम शिया के कारण किसी नसीब नहीं। शिया के इमाम बारह सैयद बगैरे सैयद, शिया के इमाम बारह बारह मासूम बाकी गैरे मासूम, शिया के इमाम बारह ततहीर दे वारिस बाकी खाब भी ततहीर की आत्मा वेखी, शिया के इमाम बारह बारह ते रसूल की तरह सदका दकात का खाना हराम बाकी असली सदका कोर। और शिया दे इमाम बारह बारह ते
हर मुसलमान दे नमाज विच दुरूदो सलाम, बाकी नस्ली बेदरूदे। इस वास्ते तुहाडा नाम इमामिया, दूसरा नाम तुहाडा शिया है। तफसीर कुम्मी, तफसीर साफी, तफसीर अल बुरहान, तफसीर नूर सकलैन, बिहार अल अरवार, सरकारी अलामा मजलसी, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम को चंद मोमिन आ हजरत फरमाया तुहानू मुबारक देना। मैं मौला सरकार कैसी मुबारक, अज का दिन किसी मासूम की विलादत का दिन है, अज का दिन किसी मासूम की अजमत का दिन है, उन्होंने गुसले सेहत का दिन है, या जश्न ताजपोशी है। सरकार ने फरमाया अज का दिन कोई ऐसा वाकया तो नहीं, तो फिर सरकार मुबारक दी दें दो। हजरत फरमाया भाई तुहानू इस बात की मैं मुबारक देना कि परवरदिगारे आलम ने कुरान च तुहाडा नां शिया रखिया। देखो मेरे भाई, मेरे तो को मसला हजार दफा भी पूछे तो मैं वही दसना जिहड़ा मेरा अकीदा। रात मजलिस पढ़ी है, कोई ढाई बजे कमरे च पहुंचा, चार साढ़े चार बजे फिर नमाज ली उठिया। नमाज के बाद मैं हुण तक कमरे में ही रहा, त्रै बजे आए जी, बारह के बाद एक, एक दे बाद दो, दो दे बाद त्रै का भी रगड़ा निकलिया। कोई रुके आला, कोई रुकी आला, कोई चिट आला, कोई तकरीबकार, कोई मुहक्क मेरे को नहीं पहुंचा भी जनाब तुम पीले जाले तवाई मजलिस से आए सर, तुसा क्या तशो दे चली उन वली उल्ला नमाज ही पढ़ना चाहिए, किताब का हवाला दियो। कोई नहीं आया क्योंकि किताबों में पईया सन जिन्हें आंदा मैं लिखांदा, मैं केड़ा उधार लैन जाना, किताबा तो मेरे पास मौजूद है। अगर तहरान दा मुज्तहिद आलम मुहक्किक तहरानी अपनी शरा शरायुल इस्लाम दे विच तशहुद विच अशहदु अन्ना अलियन खलीफतहू लिख सकता है, ते ताजुद्दीन हैदरी पढ़े या पाकिस्तान दे शिया पढ़न, ते आसमान केड़ा जमीन ते टुटिया। अगर फिका है इमाम रजा अलैहि सलाम विच, खुद इमाम रजा अठवां लाल विलायत दा ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੁਲ ਫੀ ਤਸ਼ਹਹੁਦ ਕਾ ਕਿ ਹੈ ਮਰਦੇ ਮੂਮਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ਹਹੁਦ ਮੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਰੱਬੀ ਨੇਮਰ ਰੱਬ ਵਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇਮਰ ਰਸੂਲ ਵਾਨਾ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਨੇਮਰ ਵਲੀ ਵਾ ਔਲਾਦ ਅਲ ਮਾਸੂਮੀਨ ਹੋ ਜਾ ਜੁਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮਾਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਇਆ ਮੀਆਂ ਔਖਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਟੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖ, ਸਲਵਾਤ ਬੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਵਾਜੇ ਬੁਲੰਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। फरमाने सरकार इमाम रज़ा अलैहि सलाम बिहार अल अनवार तबा जदीद दी जिल्द 84 च मौजूद है, इयो मुस्तदरकुल वसाइल च मौजूद है, इयो जनाब मल्ला यादुल फकीह दे विच भी ए अल्फाज हैं, लफ्ज दूसरे हैं। के हलबी ने पूछा मौला नु के मौला इमाम जाफर सादिक नु पूछा औ समित आइमता फी सलात, क्या मौला जेड़ा मैं नमाज पढ़ना नमाज दे विच अपने इमामा पाका दा नाम लै सकना, नाम लैके उहनां दा जिक्र कर सकना। इमाम ने फरमाया फआज मेल हम सोहणे तरीके नाल कर, एक अली नहीं बारह पाकां दे, ते इयो तहज़ीबुल अहकाम च मौजूद है। देखो मेरा सोना, इत्थे स्टेज ते सुबह तो लैके आज तक ते कोई बंदा आया नहीं पुछण वास्ते, रात दा कल दा जुमा आ स्टेज ते पहुंचा, 10 रुपए पड़दा ते इक चिट लैके आ गया, रुकी लैके छोर निकी निकी दाड़ी, मैं ये नहीं, सारे मेरे मिलते जाफरिया दे मुबल्लिग मौला दे जाकिर मेरे नालों सारे चंगे ने, क्योंकि तोड़े असली शिया ते हैं, नस्ली शिया ते हैं, मैं ते चिरका जा पड़े। ते भावें छोटे होन ते भावें मोटे होन, अब मेरा कि शागिर्द है जरा सुनी तो शिया होया, डस्के वाले फिरोज खान का शागिर्द है जिन्हें अरबाई पढ़ी है, यदि ज़ियारत की थी जे एदा नाम है मौलाना, उस जब तो उस शक्ल ते बखाए ना, इन्हें दा नाम है मौलाना अबजद जावेद अमजद अमजद जावेद, ये तामो क्या ना डस्के की तहसील का, मौलवी फिरोज खान देवबंदी का शागिर्द है डस्के वाले का,
समझिया इन समझाया जेहने च बात आई ते जेड़ी रुबाई पड़ी सू जे नस्ली शिया भी नहीं पढ़ सकता चिड़के जाए ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਸਾਕਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰੂਫੇ ਯਰ ਮਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਦਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ ਪੈ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸਲੀ ਸ਼ੀਆ ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ ਮਨ ਨਬੀਓ ਕਾ ਮਨ ਨਬੀਓ ਕਾ ਤੇ ਨੂਨ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨੂਨ ਆਈ ते पहले साकन नू ने इनू ते मन नबीयो का कहना चाहिदा थी मन अलहदा ते नबीयो का अलहदा नहीं पढ़ना चाहिदा इदगाम करना चाहिदा मन रब्बो का नहीं कहना चाहिदा क्योंकि रे आई पई है ते पीछे नून साकन इनू कहना चाहिदा थी मन रब्बो का हे ते अवान भी है ते आलम भी है ते की पे करदा फिर ऊपर ते बड़े या यो तो नफ्सुल मुतमईना इरजे इला रब्बे के राजिया तम मर्दिया इन मौलवी ने फड़ लिया मैनू ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਰੱਬਾ ਕਾ ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਨੀਸ ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਾਇਨ ਨਦੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬੇ ਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਹਾਲੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੁਬੱਲਗ ਆਜ਼ਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਿਫਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ एक दफा मीटिंग गल हुई ए लफ़्ज़ जे मेरे अजी शगिर्द ने कहे ना मौलाना फाज़ल अलवी ले हे जी 160 किताब पेश कर सकना ना एक दा भी नहीं कोई मेरे के शिकवा पे करे मैं चुप कर एदा जवाब मुबल्लिग आज़म ने एक दफा दिता है उन्हें कहा गल करो मैनू कहन लगे खिताब करके तो किसी सवाल किया जी आ फलाना गलत पढ़ता फलाने आयत ही गलत पढ़ी है फलाने खुतबा ही गलत पढ़िया उन्होंने बह जाओ इतराज आने तो भा छड़िया मैनू कहने लगा मौलाना मेरा कोई पता नहीं किस वेले दुनिया तो टुर जा ते मैं समझना मेरे बाद मैदान जेड़ा है हाथ तेरे होना क्योंकि किसी मेहनत की नहीं लाइब्रेरी बनाई नहीं मुखालिम नू जानता ही नहीं ते मुनाजर तू होना यह गल मेरी याद रखी भी आज छोटे कम छोटे मोटे होंगे ना मौलवी जाकर इन्हों के मीन में कट के इन्हों दलील ना करे मैनू कहन लगे लफ्ज ने कुराने पाक ते हाथे ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह अल्लाह जिहड़ा मैदान तबलीग च उतरे उन्होंने परेशानियां मजबूरियां दा उन्होंने पता होंदा मैनू कहन लगे गल सुन कदी शिकार वेखे किते या शिकार जिहड़ा जांदे ने लोक करन खेलन मैं आख्या खेले ही नहीं कदी किसी का शिकार किते ने वेख्या भी नहीं कदी मैं आख्या हाँ अपनी जमीन ते वाले साहब दे एक दफा मैं गया सां खूह ते वेख्या तो शिकार ही बड़े सन कोई कुत्ते लै कोई घोड़ियां ते चढ़े होए ते कोई झाड़िया नू पै मारना हिलियो हिलियो पै करन को मुसली को मेरा सी मुसली शिकार कड्ड मैनू कहण लगा दस भी कुछ कुत्ते तो वह सन जिन्हां नू डोरिया पा के साइया गुठा ते खलोते सन एक एक बंदा कुत्ते ते सी वेख्या दे मैं जी हाँ आम तौर पर वेखीदा ते कुछ अगर छोटे मोटे जिहड़े कमातां च वड़दे ने ते वह विचों शिकार कड्ड दे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਪੜ ਜਾਏ ਸਹੀ ਪੜ ਜਾਏ ਤਬਕ ਤੇ ਲਸਾਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਢੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ